सुंदर लग रही हो। लिपस्टिक लगा लूं? भैया देखेंगे तो क्या कहेंगे। आप भी अपने होठों से साफ कर लीजिए। गुलाबी होंठ होना कोई बुरी बात है क्या? तो ऐसे ही चल पड़ो। लाली गायब हो गई। सुनो, घर जाकर बुत बनकर मत बैठ जाना। आपकी तो आदत है, बिना पिए भी बात कर लिया करो। क्या मैं पियक्कड़ हूँ? अरे प्लीज, अब गुस्सा मत कर लेना। भाभी, हाय रितु, और तू कितनी आई है? कोई फोन तक नहीं किया अंतु पहले? केली आई है क्या? अरे नहीं भाभी, इनकी छुट्टियां थी तो मैंने कहा चलो भैया भाभी के घर घुमाते हैं। बिल्कुल ठीक किया तूने। नमस्कार भाभी जी। नमस्ते प्राजी। आप लोग ना बैठो, मैं आप लोगों के लिए पानी शानी लेकर आती हूँ। शर्म नहीं आती आपको? किस बात की? सारी गाल पर लिपस्टिक लगी हुई है। अरे मैंने तो साफ की थी। साफ की थी, होंठों से साफ की थी, पूरे गाल पर लगी हुई है। तभी तो कहता हूँ लगाया ही मत कर। भाभी, भैया दिखाई नहीं दे रहे। मैं फोन कर देती हूँ, वैसे भी आजकल लेट आना शुरू हो गया वो। हाँ। और देख यार, और चुपचाप करके ना जमीन खाली कर दे। ओ इसी में तेरी भलाई है। ओ हमारे साथ रिश्ता रखेगा ना तो फायदे में रहेगा, वरना जमीन खाली करवाने के लिए हमारे पास और भी बड़े तरीके हैं। तुम तो जानते ही हो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ जी, ओ रितु और प्राजी आए हुए हैं। ओ की क्या, रितु घर आई है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, काम में आप इतना भूल गए, ये भी भूल गए कि किसका क्या नाम और कितनी बहनें आपकी, एक ही तो है ना? ओए बल्ले बोल, ओ जो तू बोल रही है ना उसने सुन लिया ना तो नाराज हो जाएगी। इतना तो मैं भी जानती हूँ, साइड पे आकर बात कर रही हूँ। और हाँ, घर आते वक्त ना चिकन भी लेते रहना। ले, ओ ये भी कोई कहने की बात है? ओ मैं करा रहा हूँ। घर से फोन आया था, ओ पैन आई हुई है मेरी घर पे, मैं घर जा रहा हूँ। ओ मेरी बात को समझने की कोशिश कर शर्मा, ओ चुपचाप करके जमीन खाली कर दो, ओ पोजीशन दूसरी पार्टी को दे दो, वरना आप तो जानते ही हो। चलो शेरा। वैसे भाभी, हनी का क्या हाल है? अरे कभी कभी फेसबुक पर फोटो डालता रहता है। फोन तो करता रहता है, पर वहां जाकर ना मस्त हो गया। मैं तो पहले इनको कह रही थी कोई जरूरत नहीं है बेटे को कनाडा भेजने की, एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। पर नहीं, इनको तो जिद थी ना कि मेरा पुत्र तो कनाडा ही जाएगा। वैसे भाभी, आधा कनाडा तो पंजाबियों से ही भरा पड़ा है। और नहीं तो क्या, आजकल तो सिमरन ने भी जिद पकड़ ली है कि मैंने भी ना फर्दर स्टडीज के लिए कनाडा ही जाना। मैंने कहा अभी छोटी है तो बाद की बाद में देखेंगे,
वैसे भी हनी कहाँ मानता जी? अरे वैसे सिमरन है कहाँ? अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है, बस आती होगी। ले प्राची, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। अरे ले तो रहे हैं सांस। आप तो इनकी आदतों से पाकिफ हैं भाभी। जब तक हलक सूखा रहेगा जुबान बंद रहेगी इनकी। सिमरन के पापा अभी आते ही होंगे। बुआ, अंकल, आप? मेरा बच्चा बड़ी हो गई। चल आ, यहाँ बैठ, आ जा। सिमरन, एक बात तो बताओ। क्या बुआ जी? मैं बुआ, और जो ये मौन व्रत धारण बैठे हुए हैं, ये फूफा क्यों नहीं? क्योंकि फूफा बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। और बुआ कहते? भाई बुआ मैं तो अपनापन है ना। और फूफा बेगाना। अच्छा बुआ, मैं चेंज करके आती हूँ। एक मिनट, मैं भी आती हूँ। यार एक बात तो बता। क्या? बेइज्जती किए जा रही है तो? और आप? मैंने क्या कहा, मैं तो मिट्टी का माधोबान बस सुन रहा हूँ। अच्छा, और क्या? आपने मेरी बेइज्जती नहीं की। मैंने? कब, कहाँ, कैसे? अरे भुलक्कड़। अरे बताओ तो सही। अभी कुछ देर पहले यहीं पर। कैसे? लिपस्टिक के दागदार गाल लेकर। तो ठीक है, कुछ दाग और ले लेते हैं। सच कहूं तो यार, जब भी तुम आते हो मन प्रसन्न हो जाता है। मैंने आज तक कभी आपका कहने बुलाया, हमेशा तुम ही कहता हूँ। छोटे भाई हो तुम। दरअसल बात ये है कि तुम कहने से मुझे अपनापन लगता है, बाकियों का मुझे पता नहीं। भाई साहब, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। आप जब मुझे तू कह के बुलाते हैं ना, तो मुझे अपने भाई साहब की याद आ जाती है। बहुत छोटा था मैं जब मेरे भाई साहब। ओहो, चल यार, ये सब किस्मत के फेरे हैं। भाई साहब, किस्मत ने तो मेरे साथ हमेशा धोखे किए हैं। ओ, क्या बात करते हैं। अरे रितु जैसी लाडली पहन के नाल तुम्हारा ब्याह हुआ है, कहते हो कि किस्मत ने धोखा दिया। तुम्हारी तो किस्मत बन गई है सुरजीते। भाई साहब, बचपन से ही मेरी बहुत बड़ी तमन्ना थी कि मैं मुंबई जाकर पढ़ाई करूं। नसीब में नहीं था, पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया, इतनी दूर नहीं भेजूंगा। यार हमने अपने जिगर के टुकड़े को सात समुंदर पार भेज दिया। अब पता नहीं ठीक किया या गलत, बस उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए रंजीत सिंह ने। यार बड़ी याद आती है उसकी। तो फोन पे बात कर लिया करो ना, आजकल तो फोन पे वीडियो टॉक हो जाती है। ओ सिमरन से कहता हूँ, फोन कनेक्ट करके देती, हनी से बात करनी है। ओ सिमरन, सिमरन पुत्र। ओ शेरा तू, ओ सिमरन को भेज, उसको कह मोबाइल लेके आए, हनी से बात करनी है। पैसा मैं बस। और नहीं सुरजीत यार। जी पापा जी। बेटे, हनी का नंबर मिला, बात कर रही है, बहुत याद आ रही है उसकी। पापा, वो भैया का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है पुत्र,
जा तू अंदर। बस जी। भाभी मुझे तो शक है, कहीं हन्नी शादी भी बाहर ना करके आए किसी मेम के साथ। मैं होने दूंगी तब ना, बाकी सारी बातें मंजूर, पर शादी तो अपने देश में ही होगी, उससे जो टिक कर रहे वो हन्नी को खज्जल थोड़ी करना मैंने। हाँ भाभी वो बात तो है भाभी। वैसे भाभी फेसबुक पे तो बहुत सारी लड़कियों के साथ फोटो डालता है हन्नी। हाँ एक तो उसके साथ चिपकी ही रहती है जैनी। वो जैनी तो दोस्त है उसकी। हाँ पर भाभी कहीं ये दोस्ती ना, हन्नी मेरी बात नहीं डाल सकता। पर भाभी प्यार मोहब्बत उसकी तू फिकर ना कर, क्योंकि फिर तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या प्यार ते या फिर माँ। वो ठहरा माँ का चमचा बेचारी जैनी। मेरा हन्नू। स्वर्णा और लस्सी दा गिलास ला यार। ओ आप भाई सुरजीते, भाई क्या बात है। ओ स्वर्णा दो गिलास ले आना, ओ सुरजीता भी आ गया है। ओ आप भाई सुरजीते क्या बात है, आपने भी घर में बार बनाकर रखा है। दरअसल बात ये है कि हनी जब भी आता है ना, वो दो बोतलें लेकर आता है, वो बाहर से दो से ज्यादा बोतलें ला नहीं ना सकता। ये इम्पोर्टेड विस्की है, मैं इकट्ठी करता रहता हूँ। वो याद है रात को हमने रशियन वोडका पी थी, वो आज ना हम फ्रेंच वाइन पियेंगे। बस मैं पूछती हूँ कि सिर्फ शराब से किसी का वेलकम होता है, पर नहीं शराब का तो बस बांधना चाहिए। लो तारून। ओ दो जी। भाभी इसमें भैया की कोई गलती नहीं, कईयों की तो कुछ और खाने पीने से जुबान ही नहीं खुलती। अब ये तीर मेरी तरफ चल रहा है, अब मैंने क्या सुबह सुबह पी रखी है जो बोल रहा हूँ। ये हैंगओवर है। हाँ। भाई जिस दिन हनी आएगा ना इस बार बढ़िया पार्टी करेंगे। ना जी ना, नजर लग जाती है, बिल्कुल नहीं। हाँ इस बार करनी भी होगी ना तो बस नजदीक के लोगों को बुलाएंगे। हाँ। लो जी नजदीकी, सब लोग नजदीकी ही तो है। हाँ तो ठीक है ना, फिर घर वाले ही होंगे या एक दो लोग और। और तू ना शादी का ही इंतजार करते रहना, अगर उसने वहीं पर शादी कर ली और हमें बुलाया नहीं तो। ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा बेटा है, मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करे कभी नहीं। इम्पॉसिबल। कल रात भी हनी से बात करने की कोशिश की थी पर नेट नहीं था, अभी कोशिश करें। अभी कनाडा में रात तो नहीं होगी, कहीं सोया तो नहीं होगा हनी। ओ सो रहा होगा तो उठ जाएगा उल्लू का पट्टा। ओ सिमरन, ओ सिमरन पुत्र, ओ मोबाइल लाना। ये लो पापा। ओ बेटा हनी से बात कराओ, वो क्या कहते हैं इमो शिमो पर। हेलो आंटी, हेलो अंकल, ओ हनी कहाँ है? हनी हनी तो कनाडा में है ना बेटा। ओ पुत्र तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। ख्वाब सच भी तो हो सकते हैं डैड। ओ हनी मेरा पुत्र आ गया। मेरा पुत्र। ओए ओए तू किथों आई? Oh,
भी ना पागल है पूरा, आने का पता भी नहीं दिया तूने। यही तो मजा है माँ, बिना बताए चले आओ तो पता चलता है आप कितना मिस करते हो। हाय, तू तो हमेशा मेरी नजरों में ही रहता है। सुन, छोड़ अब कनाडा, तू आ जा वापस लौट के। माँ मैं भी वापस आना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त मानोगी तो ही आऊंगा। हाँ हाँ, तू बोलते सही पुत्र। माँ मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया, आई एम इन लव माँ, जेनी, जेनी नाम है उसका। जेनी। बम बम भोले। ओए लाडी, अपना यार आ गया हनी कनाडा से। क्या अपना यार आ गया हनी? ओ, फिर तो एक डुबकी और लगाऊंगा। बम बम बोले। ओ बस कर यार, उसका फोन आया था, आज शाम को पार्टी है उसके घर में। अरे जल्दी कर यार। ओ बस यार, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ओ, क्या बात है? ओ, हनी, उसको ना कोई अंग्रेजी मेम से प्यार हो गया। अच्छा, ओ, अच्छी बात है, अब हमारा पुत्र अंग्रेजों पर राज करेगा। मजाक की बात नहीं है, सीरियस है वो। ओ, पार्टी छोड़ के अंदर चला गया है। ओ, तू ऐसे ही घबरा रही है, ओ, कोई फ्लड शर्ट कर रहा होगा। ओ, शादी तो दूर की बात है। ओ, गल सुनो जी, आपका वो दोस्त है ना कश्मीर वाला, ओ, मदन लाल, ओ, उसकी एक बेटी भी है ना, बड़ी खूबसूरत है वो, तो क्यों ना हनी के लिए। ओ, वही तुम्हारी बहू बनेगी। ओ हनी, एक बार उसको देखेगा ना तो पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। ओ, फिर बोलेगा मम्मी मेरी इससे शादी करवा दो। तो फिर एक काम करो जी, इस बार किसी तरह कनाडा वापस जाने से पहले पहले उसको कश्मीर भेज दो, ताकि उस लड़की को देख ले। माता रानी, हनी को वो लड़की पसंद आ जाए बस। ओ, पसंद आ गई समझो। चल अंदर उसके पास चलते हैं। ओ हनी, और तू क्या कनाडा कनाडा करता रहता है? और कश्मीर देख लिया है? और मैं सोच रहा हूँ इस बार तू कश्मीर घूमा, और वहां पर मेरे बचपन का दोस्त रहता है, वो तेरे ठहरने का और घूमने फिरने का सारा प्रबंध कर देगा। बिल्कुल सही कह रहे तेरे पापा, तू जा और कश्मीर घूम के आ जा। जी पापा जी, आपने मेरे मन की बात कर ली, मैं कश्मीर जरूर जाऊंगा। क्या कहा इसने? और तुम्हारे कार्ड में क्या कहा इसने? कह रहा था अपने हनीमून के लिए जगह भी सिलेक्ट करके आएगा। अरे वो अपना हनीमून ससुराल में मनाएगा क्या? जी नहीं, जेनी के साथ। जेनी?
फोन करने लगे हो? यार अपने मदन जार को कश्मीर में। हेलो ओ मदन, ओ सो रहा है तो उठ जा। नहीं नहीं यार, परेशानी तो कोई नहीं है। ओ हनी आया हुआ है कनाडा से। ओ सुन, ओ हनी आ रहा है तेरे पास। हाँ हाँ देख लेना। ओ ठीक है, ओ सो जा। ओ कश्मीर देखेगा ना तो कनाडा भूल जाएगा। और चल चले बाहर, सारा मूड खराब कर दिया बाहर। बहुत सुंदर लग रही हो। अरे ये तुम्हारा बेडरूम घर या कार नहीं है, मेरे भाई का घर है। तो घर चलते हैं। अरे पागल हो गए हो क्या? भैया क्या कहेंगे? अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है, चलो। स्वर्णा, स्वर्णा यार लस्सी तो ले आ। ओ यार रात को ना बहुत याद आ गई, और शायद लस्सी काम आए। लस्सी ते तोड़ी शराब लो। ओ हनी को भी एक गिलास लस्सी दे देनी थी। हनी ते सवेरे तड़के चला गया, इस वेले ते पूजन वाला होना। ओ क्या, ओ वापस कनाडा? ना जी ना, हनी ते गया कश्मीर। बहुत ठंड है यार। और कश्मीर में ठंड नहीं होगी तो और कहाँ होगी। अरे भाई साहब, ये जो सेबों के ठेकेदार मदन लाल जी हैं, उनका घर कहाँ है? वो सामने है। तो चलें फिर, शक्ल क्या देख रहे हो? हाँ बैग भी तो लो। जी नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। जी ये सेबों के ठेकेदार मदनलाल जी का घर यही है? जी घर तो यही है। और तुम रंजीत सिंह के बेटे हनी सिंह हो ना? जी हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? बेटा फलों का ठेकेदार मदनलाल मैं ही हूँ। तुम्हारे घर से निकलते ही रंजीत सिंह का मुझे फोन आया था, उसने मुझे सब बता दिया। ये सब इस डब्बी का कमाल है, डब्बी का। आओ बैठो बैठो। और सुनाओ बेटा, कश्मीर आते रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं चाचा जी, हमने तो पूरा रास्ता खूब इंजॉय किया। ओ मैं क्या, बैजा बैजा हो गई चाचा जी। बेटा कश्मीर है ही इतना खूबसूरत, इसीलिए तो सारी दुनिया की इस पे नजर है। चाचा जी आप शुरू से यहाँ रहते? नहीं बेटा, मेरे माँ बाप जम्मू के रामनगर के रहने वाले थे। गांव में कामकाज कोई खास नहीं था, इसलिए काम की तलाश में मेरे पिताजी कश्मीर के इस गांव में आ गए और यहाँ सेब के बागों में मजदूरी करने लगे। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से खूब तरक्की की और फलों के ठेकेदार बन गए। अब तो यूं कहो कि अगर रामनगर हमारी माँ है तो कश्मीर का ये गाँव हमारी मौसी। अब तो 6-7 घर यहाँ हमारे अपने ही हो गए। चाचा जी पापा तो कभी कश्मीर आए नहीं, फिर भी आपके साथ ना नजदीकी संबंध? बेटा गांव की मिट्टी में प्यार पलता है। जवानी के दिनों में रंजीत सिंह को घूमने फिरने का बड़ा शौक था। पुराने महलों को देखना, उनके बारे में पढ़ना, इसका बड़ा शौक था। रंजीत जब इसी सिलसिले में हमारे रामनगर आया ना तो उसकी मुलाकात मेरे पिताजी से हो। पिताजी उसे अपने घर ले आए। तकरीबन मैं और रंजीत से हम उम्र ही थे, इसलिए हमें दोस्ती हो गई। जब तक रामनगर से हम यहाँ नहीं आए थे
तो हमारा एक दूसरे के यहाँ आना जाना बना रहे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं अब तो बस इस डब्बे में बंद होकर रह गए। चाचा जी ऐ हुई ना यारी। ठीक है बेटे, तुम अंदर चल के थोड़ा आराम कर लो, बाकी बातें बाद में कर। जी चाचा जी। यार लाडी चाय की तलब हो रही है। ओ तू कनाडा से आया ना, ये मत समझना मैं तेरा नौकर लगा हूँ, मैं भी यहाँ मस्ती करने आया हूँ। अरे रे रे, तू तो नाराज हो गया। अरे घुंचू, मैं तुझे चाय बनाने के लिए नहीं बोल रहा, बाहर दुकानें भी तो होंगी। अरे तुम दोनों बैठ के यहाँ पियो चाय, मैं तो चला बाहर पहाड़ों के मजे लेने। खिसकले पुत्र खिसकले, तुझे पता ये चाय बनवा बनवा के मुझे मार ही डालेगा। अरे नहीं यार, तू मेरा दोस्त है दुश्मन नहीं। चुप करो लाडी, बाहर देखो ने जरा। नमस्ते जी। जी आप? ये नेहा और मैं नीलम। जी नीलम, मैं लाडी। लाडी, भला ये भी कोई नाम हुआ क्या? जाने दीजिए, नीलम जरा शरारती है, इसकी बातों पर ना जाइए। लीजिए, हम आपके लिए कहवा लाए हैं। कहवा? ये क्या होता है? ओफो, बड़े अनाड़ी हो जी, कहवा नहीं जानते? नमस्ते जी, आपको भी। जी, आपकी तारीफ? मैं नेहा। और मैं नीलम, नेहा की सहेली। आप हमारे ही मकान में रहने आए हैं, बाबा ने कहा उन्हें कहवा दे आओ। अपने ही हाथों से पिला दीजिए ना, हम जरा घर के कामकाज में कोरे हैं। कहवा यहाँ पड़ा है, जब मन करे पी लेना। चल नीलम। लड़कियाँ तो बड़ी तेज हैं, मजा आएगा। बहुत अच्छा गाती हैं आप। जी शुक्रिया। जी मैं लाडी। तो मैं क्या करूं, आरती उतारूं जोकर कहीं के? या लाडी, एक कुड़ी सानू की क्या गई? जोकर? जोकर? यहाँ भी? क्यों, नहीं होना चाहिए? ना बाबा ना, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। क्या हम तुम, यानी मैं और तुम दोस्त नहीं हो सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों भला? बाबा कहते हैं परदेसियों को सर पर नहीं बिठाते। तो आंखों में बिठा दो। आंखों में? नेहा, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, दोस्ती निभाना जानता हूँ अच्छे से। अच्छा, बाबा से पूछकर बताऊंगी। तुम दूध पीती बच्ची नहीं हो नेहा, जवान हो चुकी हो। हाथ छोड़ो मेरा। पहले बोलो प्यार करती हो? क्या करते हो? मैं यट यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात न जाना के नीलम सानू प्यार कर दी है, साडे उते ओ मर दी है।
ਕਹਿ ਨੀਲਮ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ ਲਾਡੀ, ਕਿਆ ਬੋਰ ਕਰਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਬੜਾ ਚਹਿਕ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਸੰਦੀਪ, ਯੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਦੇਖਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਚੁਰਾ ਲੇਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਜਨਾਬ ਕਾ ਦਿਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਟਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਦੁਸ਼ਮਨ। ਕੌਣ ਹੈ ਵੋ ਰੂਪ ਕੀ ਰਾਨੀ, ਹਮੇ ਵੀ ਤੋ ਪਤਾ ਚਲੇ। ਓ ਨੀਲਮ, ਹੋ ਸੰਦੀ ਮਲਿਕਾ। ਓ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਮਜਨੂ ਕੀ ਔਲਾਦ, ਕੌਣ ਨੀਲਮ? ਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਸੰਦੀਪ, ਯੇ ਤੋ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਤਾ, ਯੇ ਨੀਲਮ ਵਹੀ ਨਾ ਜੋ ਕਹਿਵਾ ਦੇਨੇ ਆਈ ਥੀ? ਹਾਂ, ਕਹਿਵਾ ਤੋ ਦੇਗੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤੋ ਅਬ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਯਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਂ ਬਸਨੇ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਚਲਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀਂ ਘੁੰਮਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਚਲ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈਂ, ਬਾਏ। ਓ ਯਾਰ ਲਾਡੀ, ਯੇ ਕਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਓ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੇ ਯਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਨਾ। ਔਰ ਯਾਰ, ਯੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਅਕੇਲਾ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਸਕੀਮੋਂ ਮੈਂ ਲਗੇ ਹੈਂ ਯੇ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕਾ ਮਾਲ ਬਲਾਕ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹਾ ਤੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਟਰੱਕ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੋਂ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੀਜੀਏ। ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਅਰੇ ਹਨੀ ਬੇਟਾ, ਕਹੋ ਕੈਸੇ? ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਆਪਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਥਾ, ਯੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੋਗਾ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਜੰਗਲੀ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਬੇਟਾ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਕਿਆ? ਜਾਣਾ ਤੋ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਡੀ ਉਸੇ ਤੋ ਗਾਓ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਾਂ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲਾਡੀ, ਤੂਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕੇ ਕੱਪੜੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੀ? ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਆਪ ਔਰ ਨੇਹਾ ਚਲੀਏ ਨਾ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਕਰ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਚਪਨ ਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਹੀ ਤੋ ਬੜਾ ਹੁਆ ਹੂੰ। ਤੁਮ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਨੇਹਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਓ। ਨੇਹਾ, ਨੇਹਾ ਬੇਟੀ, ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਨਾ। ਉਹ ਆ ਗਈ। ਜੀ ਬਾਬਾ, ਕਹੀਏ। ਬੇਟੀ ਹਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ, ਤੁਮ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੁਮਾ ਲਾਓ। ਪਰ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਅਕੇਲੀ। ਬੇਟੀ, ਤੁਮ ਅਕੇਲੀ ਕਹਾਂ ਹੋ, ਹਨੀ ਤੁਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਯੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲੇਤੀ। ਅਰੇ, ਆਪ ਐਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜ ਕੇ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨਕੇ ਚਿਹਰੇ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਨੇਹਾ, ਹਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਨੀ ਬੇਟਾ, ਰਾਤ ਹੋਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੌਟਾ। ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। क्या हुआ हनी, अभी तो शहर दूर है। हाँ, जानता हूँ। तो नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे क्या? नेहा, नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू नेहा, आई लव यू। छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो, प्यार कोई बच्चों का खेल नहीं है जो किसी के साथ भी खेला जाए। हाँ नेहा, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें उम्र भर इतना प्यार दूंगा कि क्या कहूँ, बस इतना कह सकता हूँ, आई लव यू नेहा, आई लव यू। लेकिन मैं एक परदेसी पर कैसे विश्वास करूँ, कल को तुम अगर मुझे छोड़ के चले गए तो? हनी यहाँ से जाएगा तो अपनी नेहा के साथ। वादा? वादा, तुम्हारा हनी मर जाएगा लेकिन तुम्हें धोखा नहीं देगा। ऐसा मत कहो। Oh,
तो कहो ना नेहा, तुम मुझसे प्यार करती हो? नेहा, अरे सुन तो नेहा, क्या बात है? आंखें सूजी हुई हैं, लगता है नींद नहीं आई रात को। क्यों नहीं आई? अच्छी तो आई है। अरे जवानी में होता है, इसको छुपाने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, मैं अभी जवान नहीं हुई। आजकल उस लड़के को चोरी छिपे देखने की लत लगी है बन्ना को। देख नीलम, मैं मारूंगी। हाय, ये इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। चाहे लाग छुपा लो, शोला इश्क का एक दिन भड़केगा ही। चाहे लाग छुपा लो। सच? रब की कसम। मगर नीलम, डर लगता है जमाने से। अरे पगली, प्यार करके डरना क्या? लोग तो सूली चढ़ जाते हैं। बाबा से डर लगता है। एक दिन तेरे लिए उन्हें भी लड़का ढूंढना ही था, फिर आज ही क्यों नहीं? तू ही करना कुछ, मेरी अच्छी सहेली है ना। मैं? पहले मेरा एक काम करना होगा। क्या? उस जोकर लाडी की पिटाई कर दूँ, ताकि फिर वो कभी मेरा रास्ता ना रोके। तेरे इश्क में गिरफ्तार है, मार खाएगा और दीवाना बन जाएगा। दीवाना? मेरी जुत्ती। अच्छा मैं चली। अरे भैया, बड़े भैया। अरे विद्या, तू बैठना और सुना, सब खैरियत है ना? अरे भैया, ऐसी खुशखबरी लाई हूँ कि खुशी से उछल पड़ोगे। सच? हाँ। मगर अब बताएगी भी? वो अपनी नेहा है ना। हाँ? ठेकेदार सूर्य प्रताप सिंह के यहाँ से उसका रिश्ता आया है। क्या? ठेकेदार सूर्य प्रताप सिंह? विद्या, तू कोई सपना देखकर तो नहीं आ रही है? अरे नहीं भैया, ये बात सोला आने सच है। लड़की की तो किस्मत खुल गई है। अगर आप जल्दी से हाँ कह दो तो मैं बात को आगे चलाऊं। हाय मैं सबके, कितना शुभ दिन है आज। विद्या, इसमें ना कहने की तो कोई बात ही नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं मैं खुशी के मारे शत सही ना कूद जाऊं। अरे भैया, इतनी भी खुशी ठीक नहीं। अगर छत से कूद जाओगे तो नेहा विद्या को कैसे ब्याहोगे? विद्या बुआ कब आई? अरे शैतान, अब ये अंदर बाहर घूमना बंद कर दे और घर के कामकाज में ध्यान लगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे पगली, ठेकेदार सूर्य प्रताप सिंह के यहाँ से तेरा रिश्ता आया है। रिश्ता? हाँ मेरी बच्ची, तुमने ना जाने कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो इतना बड़ा घर तुम्हें मिल रहा है। रानी बना के रखेगा तुझे सूर्य प्रताप सिंह, ऐश करेगी ऐश। सूर्य प्रताप एक बदमाश आदमी है, उस लड़के से मैं शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। नेहा! अरे शुक्र मना के सूर्य प्रताप सिंह ने तुझे पसंद किया है, वरना तुझसे पहले 13 रिश्ते ठुकरा चुका है वो। हाँ, ये रिश्ता मैं ठुकराती हूँ। मैं वो लड़की नहीं जो नाक में नकेल डाल के खिंचती चली जाए। शादी करूंगी तो मैं अपने पसंद के लड़के से। बड़ों से बात करने का सलीका सीखो। विद्या तुम्हारा रिश्ता लेकर आई है, कोई गुनाह नहीं किया उसने। जिनकी माए नहीं होती वो लड़की ऐसे ही बिगड़ती है। भैया मुझे इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं लगते, कहीं से रस्सी लाओ और बांध के रखो इसे। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जाओ, आ जाती है संताप देने। देहा, तुम इतनी ठीठ हो गई हो।
वैसे मेरा रिश्ता तो मना नहीं कर पाई होगी वो जंगली कबूतर। तो कौन सी तारीख निकाल के लाई हो मेरे लगन? सूर्य प्रताप, तू नेहा को भूल जा, बड़ी सरचड़ी लड़की है वो। बुआ, बातों को घुमाओ मत, साफ साफ कहो कि बात क्या है। सूर्य प्रताप, तेरे आगे पीछे लड़कियां ही लड़कियां हैं, पर नेहा ही क्यों? बुआ बताओ मुझे क्या बात है, मेरा खून उबाल मारने लगा है। सूर्य प्रताप, नेहा ने इस शादी से मना कर दिया। क्या? तुम्हें बदमाश बताती है वो नादान लड़की। नहीं, ये नहीं हो सकता बुआ। सूर्य प्रताप, तू नेहा को माफ कर दे, उस नासमझ लड़की को ये नहीं पता कि उसने जिंदगी में क्या खो दिया है। बुआ, मैं बदमाश तो नहीं था, लेकिन अब उस लड़की को मैं बदमाश बन के दिखाऊंगा। सूर्य प्रताप, सूर्य प्रताप, मेरी बात तो सुनो। सूर्य प्रताप, जैनी, व्हाट ए सरप्राइज, कैसी हो माय लव? क्या कमिंग इंडिया? कब? नेक्स्ट मंथ? वाव जैनी, मन कर रहा है खूब ढोल पीटूं और खूब नाचूं। माय बेस्ट फ्रेंड कमिंग टू मी। वेयर आया? आई एम इन कश्मीर, वर्ल्ड्स पैराडाइज ऑन अर्थ। हाओ की ना, तुम भी, तुम्हें भी खूब घुमाऊंगा। हम ना पहली रात ना हाउस बोट में काटेंगे, दूसरी गुलमर्ग में, तीसरी पहलगाम में, चौथी पांचवी। माय स्वीट डार्लिंग, माय लव, माय कुकू। ओके ओके, बाय। क्या बात, दूर क्यों रही हो मुझे? हनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। हाँ तो आओ, गाड़ी में बैठो, घर चलकर बात करते हैं। सुनसान जगहों पर यूं अकेली ना घूमा करो। नहीं, मुझे यही बात करनी है। नेहा, सब ठीक तो है ना? हनी, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, अभी इसी वक्त? शादी? हाँ, बाबा एक बदमाश के साथ मुझे बांधने जा रहे हैं, तुम क्या कहते हो? हनी, ऐसे तुम हंस क्यों रहे हो? शादी और तुमसे? हनी, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी मोहब्बत का पैगाम लेकर तुम ही आए थे ना मेरे पास? आया था, जरूर आया था, लेकिन तुम जैसी पहाड़ों की हिरनी के साथ थोड़ा मजा क्या किया तो तुम मुझसे शादी के सपने देखने लगी। How clever! भोले भाले लड़कों को पटाना तो कोई तुमसे सीखे। धोखेबाज, बेईमान, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, भगवान तुझसे इसका बदला जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। शादी के सपने और मुझसे? पागल लड़की, मुझे जाल में फंसा रही है, एक फॉरेन रिटर्न्ड लड़के को। जोक, व्हाट ए जोक। जावे जुदाई।
बाबा मिलो, नेहा को होश आ गया। हाँ बाबा, वो आपको पुकार रही है बाबा, चलिए। सूर्य प्रताप, शादी और तुमसे। तुम जैसी पहाड़ों की हिरनी के साथ थोड़ा मजा क्या किया तो तुम मुझसे शादी के सपने देखने लगे। How clever! नेहा बेटी। बाबा, मैं जानता हूँ बेटी, इस हादसे की वजह मैं ही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। नहीं बाबा, आपको कोई दोष नहीं है, मैं ही होश में नहीं थी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, तेरा कोई दोष नहीं है। अब मैं तुम्हारी शादी वहीं करूंगा जहां तुम चाहोगी, तुम्हारे फैसले के आगे नहीं आऊंगा बेटी, नहीं आऊंगा। नहीं बाबा, अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं बेटे, कोई देर नहीं हुई है, तुम हौसला रखो, कोई देर नहीं हुई है, कोई देर नहीं हुई है। यहाँ मेरा रास्ता रोकने का मतलब। वाह सूर्य प्रताप, वाह। नेहा ने शादी से इनकार क्या किया तो तुमने उसे जिंदगी से ही महरूम करना चाहा। ये क्या बक रही हो? मोहब्बत की भीख मांगना मेरी आदत नहीं। जो गिड़गिड़ाते हैं वो लोग को छोड़ होंगे। तो नेहा पर हमला क्यों किया तुमने? इस आस में उसकी जान भी जा सकती। बाबा पर क्या गुजरती पता है तुम्हें? नीलम, बस इसके आगे और कुछ मत कहना। नेहा को मैंने घायल नहीं किया था, वो खुद आके मेरी गाड़ी से टकराई थी। मैं वक्त पे डॉक्टर के पास ना ले जाता तो न जाने आज क्या होता। क्या? यकीन नहीं होता तो जाके पूछ लो नेहा से, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपनी सहेली सी जाके कह देना कि परदेसी हवा का झोंका होते, चांदनी सिर्फ 2 दिन की ही होती। एक फूल ते दूजा दिल टूट के, फूल ते दूजा दिल टूट के दोबारा के तू खिड़ जानगे। टूटिया दिलां दिया दर्दां नी टूटे हुए दिल जान दे, टूटे हुए दिल जान दे। जित के बाजिया हरिया नी जाता, मरना चाहिए मरिया नी जाता। तेरे बाजो सोनिया सजना, तेरे जितरिए तरिया नी जाता। एक फूल ते दूजा दिल टूट के, फूल ते दूजा दिल टूट के दोबारा के तू खिड़ जानगे। टूटे हुए दिल जान दे, टूटे हुए दिल जान दे। नेहा, नीलम, नीलम मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। नेहा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, मुझे बताओ क्या बात है? मैं तुम्हारी बहन हूँ ना नीलम। वो हनी, हनी ने ना? हाँ नेहा बोलो, क्या किया हनी ने?
मेरी मोहब्बत को ठुकराया है उसने ये कहकर कि वो मेरे साथ खेल रहा है और मैं मोहब्बत मान बैठी। क्या? हाँ, धोखा हुआ है मेरे साथ। मैं इतने बड़े लांजुर के साथ नहीं जीना चाहती, मर जाना चाहती हूँ मैं। नहीं नेहा, मरना किसी समस्या का हल नहीं। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है, उसे तो अब मैं देखती हूँ। नीलम, नीलम मेरी बात सुनो। ये अचानक जाने का प्लान क्यों बना लिया तूने? तू तो मेरे साथ यहाँ छुट्टियां काटने आया था ना। अजय तेरी जिंदगी दी नारा लुटने थी और तू चल पिया। अरे नहीं दोस्तों, बस यूं समझ लो कि मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आ रहा है और इसीलिए मेरा अमृतसर जाना बहुत जरूरी है। टर्निंग पॉइंट? सब खैरियत तो है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक। ओ की गल है, मैनू तो दाल विच किश काला नजर आ रहा है। अरे लाडी, दरअसल वो जैनी आ रही है कनाडा से। जैनी? ओ कौन है? तेरी और वाली भाभी। भाभी? पर वो नेहा। नेहा एक खिलौना थी, खेला और छोड़ दिया। खिलौना? हनी, तुमने एक पहाड़ी लड़की की मोहब्बत का गला दबाया है और तुम दूसरी जगह अपनी मोहब्बत ढूंढने जा रहे हो। अरे तुम अपनी सफल होने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? मैंने नेहा के साथ दोस्ती की थी और उसने मोहब्बत मान ली। नेहा इतनी भी गई बीती नहीं कि तुम दोस्ती करो और वो मोहब्बत के दम भरती रहे। अरे तुमसे कई अच्छे रिश्तों को ठोकर मार चुकी है वो। अरे दुख तो सिर्फ इस बात का है कि एक पहाड़ी लड़की को उसका भोलापन छल गया। देख हनी, जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं। जब जैनी तेरे दिल में फंस चुकी थी तो ये बात नेहा को बताना जरूरी है। पर क्यों? मैं अपनी प्राइवेट लाइफ हर किसी से शेयर क्यों करूं? तो नेहा से दोस्ती का कहवा पीने या मौज मस्ती करने के लिए की थी तुमने? वो थोड़ा शरारती मैं बचपन से हूँ, मेरी आदत है। विदेश में जाकर तुम जैसों का ही दिमाग पागल हो जाता है, तभी तो रोते हैं घर वाले भी और बाहर वाले भी। नीलम, इट्स टू मच। चिल्लाओ मत, चिल्लाना हम पहाड़ी लड़कियों को भी आता है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ यहाँ से। मैं अपनी सहेली के दिमाग से तुम्हारे अक्स का एक एक तिनका साफ कर देना चाहती हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ लाडी, जो भी था सब दफन हो गया, आइंदा मेरे पीछे मत आना। कश्मीर तो सैर सपाटा करके आना था दो चार दिन। बात सुन, कहीं तू कनाडा वापस तो नहीं ना? नहीं माँ, कुछ दिन की छुट्टी है तो आपके पास ही रहूंगा। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे इन्नू की हो गया? हेलो, गल सुनो जी, हनी ना कश्मीर तो वापस आ गया। दूध पी ले पहले। क्या बात है, परेशान लग रहा? पता नहीं माँ, जेनी फोन नहीं उठा रही है, कहीं बीमार ना हो गई हो? नहीं अति बीमार, उठा लेगी फोन। माँ दो चार दिन से फोन नहीं उठा रही है, आई एम वरीड फॉर हर। कश्मीर में तेरा दिल नहीं लगा? माँ की गोद में ही कश्मीर है ना माँ। मस्का लगाना तो कोई तुझसे सीखे। हाँ नहीं तो, सच कह रहा हूँ माँ। एक बात बताऊं, मैं तो वहाँ होटल भी सिलेक्ट कर आया हूँ जहाँ मैं और जेनी हनीमून मनाने जाएंगे। उसे वो होटल बहुत पसंद आएगा। वाकई माँ, कश्मीर इज ए पैराडाइज। अच्छा वो तुम्हारे कश्मीर वाले अंकल है ना, मदन लाल जी? कुछ कह तो नहीं रहे थे? नहीं तो। वो एक बेटी भी है ना उनकी? हाँ। कैसी है? इनोसेंट, थोड़ी पागल है, जैसे पहाड़ों की लड़कियां होती हैं। वो दुनिया के हिसाब से बहुत पीछे हैं माँ, दे आर बैकवर्ड इन देयर कॉन्टेक्स्ट।
नेहा, कैसी हो? तुम्हारी चोट कैसी है? चोट कम थी, निशान नहीं रहा, दर्द आज भी है। मैं जानता हूं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जी कहिए। नेहा, मैंने गलत काम करना छोड़ दिया है। काश तुम समझ सकती नेहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। हे भगवान, मैं जिंदगी के किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। जानती हूं हनी ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन फिर भी उसे भूल पाना मुश्किल है। नेहा बेटी, नेहा बेटी। हाँ जी बाबा। अरे क्या सोच रही थी? बस यूं ही, कुछ नहीं सोच रही थी। नेहा बेटी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए बाबा। देखो बेटी, एक बाप होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। आप पहले क्यों बुझा रहे हैं, बताओ ना। बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी खुशियों का आदर करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मैं आप ही की पसंद की लड़की से शादी करना चाहूंगी। देखो बेटा, ये जिंदगी के फैसले होते हैं, तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच लो। बाबा, मैं गलतफहमी का शिकार हो गई थी। आप मेरी शादी सूर्य प्रताप से करवा सकते हैं। क्या तू ये सच्चे मन से कह रही है? हाँ, पर बाबा मेरी शादी में कोई नाच गाना नहीं होगा। आप मेरी शादी मंदिर में करवाइएगा। तू जैसा कहेगी ना, मैं वैसा ही करूंगा बेटी, बिल्कुल वैसा करूंगा, बिल्कुल वैसा। चीती रहो, चुप चुप चीरो, चीती रहो। सुवर्णा, ओ भाई आओ नाश्ता करें, और चाय वाय तो लाओ। हाँ जी ला रही हूं। ओ जल्दी आओ, देर हो रही है। ओहो, सबर ते आई ही नहीं ना। ओ हनी को भी बुला ले। हाँ हाँ। ओ हनी पुत्र, ओ आजा नाश्ता कर ले। गल पुत्र, बड़ा उदास लग रहा है। वो क्या हुआ है? वो कुछ बताएगा या नहीं? वो क्या हुआ है? छेड़ जी, तुझे थोड़ा आस्था नहीं पूछ सकते? क्या हुआ है? चलो ठीक है, आस्था पूछ लेता हूँ। वो क्या हुआ पुत्र? चुप रहो आप भी ना, बता तो सही पुत्र, हुआ क्या है? तू ही बता दे, और तू तो इसके दिमाग पढ़ने की बात करती है, तू ही बता दे क्या हुआ है? हनी, कहीं जैनी? हाँ हाँ, जैनी। क्या हुआ जैनी? जैनी ने शादी कर ली। वो शादी कर ली? ओ मुबारका आशिक महाराज, ओ आपकी प्रेमिका की शादी की मुबारका। ओ आपके गम को बुलाने के लिए आज कौन सी बोतल खोलूं? और रशियन, फ्रेंच या इंडियन फ्रूटी? और मेरे ख्याल में इंडियन फ्रूटी ठीक रहेगी नींबू निचोड़ के। तुसी भी ना, चुप रहो। बता पुत्र, वो क्या कह रही थी जैनी? कह रही थी हनीमून के लिए कश्मीर आ रही है। तो क्या हुआ? ओ वही वाला कमरा बुक करवा देना जो तू अपने लिए देख कर आया था श्रीनगर में। नेहा,
तुम्हारे बाबा ने बताया कि तुम शादी के लिए तैयार हो। जानती हूँ। तो क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? छोड़ो सूर्य प्रताप, खुशियां भी किसी की होकर रही हैं। नेहा, मैं तुम्हें खुशियों से लाद दूंगा। मेरे बाबा की खुशी ही मेरी खुशी है। वो इस रिश्ते से बेहद खुश है। तो जाओ सूर्य प्रताप, तुम्हें ये शादी मुबारक हो। नेहा, ओ नेहा, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा नेहा। नीलम, हनी की बेवफाई की सजा इस लाड़ी को क्यों? इसने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की है ना? तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। नेहा की हालत देखी है मैंने, कलेजा मुंह को आता है। नफरत है तुम परदेसियों से मुझे। नहीं नीलम, ये कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा। इसे तो ना दिन में चैन है ना रात को। तुम जाओ, भूल जाओ मुझे। हमारा मिलन कभी नहीं हो सकता। हे प्रभु, मेरे से जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ करना। मैंने हनी को अपना सब कुछ मान लिया था। अब मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही हूँ। मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपनी नई शुरुआत कर सकूँ, नई शुरुआत कर सकूँ। लाडी। ओ हनी, मैं सोचा तू मैनू भुल गया। होर सुना, ठीक है ना तू? लाडी, वो नेहा से मिलना है। की? तू नेहा नू याद करना है? ओ यार, नेहा दा ते व्याह हो रहा है। कह देती हूँ मैं, ओ हनी की शादी ना
बड़ी धूमधाम से करनी है हमने। हाँ ये भी कोई बात है। हाँ सही। ओए हनी वो कहाँ जा रहा है? ये हफ्ते माँ वो ना नेहा की शादी हो रही है। है तो क्या तू नेहा से? जी हाँ। ओए ये शादी नहीं हो सकती। ओ हनी पुत्र, और जेकर तू वाकई नेहा से मोहब्बत करता है ना तो ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन पापा कश्मीर बहुत दूर है और नेहा की शादी आज हो रही है। और शेरा, शेरा जी वाले। और जा हनी को ना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर छोड़ा। जी वाले। और छोटे वाले। और डोंट वरी पुत्र, बाकी हम देख लेंगे और तेरी शादी नेहा से ही होगी। छल्ले पड़े बालों में, डिंपल पड़े गालों में, छल्ले पड़े बालों में, डिंपल पड़े गालों में, बदन तेरा मक्खन जैसा है, अब देखे तेरा दूल्हा कैसा है। विद्या, नेहा बेटी तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम सब भी तैयार होते हैं। ठीक है। बड़ी सुंदर लग रही हो बेटी, जीती रहो। अरे क्या कर रहे हो, देर होगी, वहाँ सूर्य प्रताप हमारा इंतजार कर रहा है मंदिर में। चलो जल्दी, देर हो गई। हाँ हाँ विद्या चलते हैं। चलो हुआ है मेरी बंदों का, जरा मुस्कुरा तो दो। नेहा अब मुस्कुरा नहीं पाएगी बुआ जी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चाचा जी मैं सच कह रहा हूँ, नेहा सूर्य प्रताप से नहीं मुझसे प्यार करती। चुपचाप यहां से चला जा, नहीं तो खाल खींच लूंगा तेरी। नेहा, मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया, भगवान ने उसकी मुझे बहुत बड़ी सजा दी। मुझे माफ कर दो नेहा, मुझे माफ कर दो, और इस जबरदस्ती की शादी से इनकार कर दो। भैया बाहर निकालो इस आवारा लड़के को, आ गया हमारी जिंदगी बर्बाद करने, हमारी बेइज्जती है ये। हनी सिंह दफा हो जाओ यहाँ से, मैं एक बेटी का बाप हूँ, मेरी पगड़ी मत उछालो। तुम मेरे दोस्त रंजीत के बेटे हो, वरना प्लीज इस शादी से इनकार कर दो। बाबा आप शादी की रस्में पूरी कीजिए। ठीक है बेटे, विद्या ले आओ। नेहा मेरी बात सुनो, नेहा प्लीज प्लीज नेहा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा नेहा। मेरी गाल तो सुन, रुक जा हनी। इंसान जिंदगी में वही पाता है जो उसने कर्म किए होते। मैंने नेहा को धोखा दिया, मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए। ओए पर सुन तो ले, खुशखबरी है। हनी रुको, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तुम मुझे बचाने के लिए ये सब कह रही हो ना, पर अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। एक बार पीछे मुड़कर देख लो हनी, तुम्हें मेरी कसम, मैं तुम्हारी।
रही हूँ। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर बाबा हनी, प्यार कभी भी छीन कर या जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। आज अगर मैं ये शादी कर भी लेता तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता, ना नेहा का प्यार ना उसका साथ। मेरे दोस्त, नेहा सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी है। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हें पंजाब से यहां भेजा ताकि तुम दोनों मिल सको। मेरी नजरों पर पड़ा हुआ पर्दा सूर्य प्रताप ने उतार दिया। आज मेरी समझ में आ गया कि अगर दुनिया में कुछ है तो वो प्यार है। प्यार के बिना ये दुनिया वीरान है, दुनिया में कुछ नहीं। ओ वीरा, तुहाडा ते काम बन गया, साडे बारे भी कुछ सोच लो। और नीलम जी, मैं तो लाडी।